हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का लेटेस्ट सर्कुलर शेयर करेंगे, जो कि 26 अगस्त यानी कि आज का ही है। UFBU ने 25/8 को मुंबई में एक मीटिंग की थी और इस मीटिंग में जो जो भी डिस्कशंस हुई हैं उसी के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। सबसे पहले तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कैंपेन और स्ट्रगल चल रही है उसके बारे में बात की है। इस मीटिंग से पहले मार्च में मीटिंग हुई थी कोलकाता में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की, और कोविड की जो सेकेंड वेव है उसके कारण प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो कैंपेन है उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन के लिए जनरल इंश्योरेंस बिल पास कर दिया है, डिफेंस सेक्टर के लिए भी बिल पास कर दिया है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे कि BPCL, CCI, शिपिंग कॉरपोरेशन, पावर सेक्टर, IDBI बैंक, LIC में भी डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है, और बाकी के भी काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को सेल करना चाहती है और उन्हें प्राइवेटाइज करना चाहती है। इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैंपेन और स्ट्रगल के बारे में बात की गई है और जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में डिस्कशन की गई है, और कैंपेन प्रोग्राम्स को अलग से इशू किया जाएगा। नेक्स्ट डिस्कशन हुई है इस मीटिंग में फैमिली पेंशन और NPS की कंट्रीब्यूशन के बारे में। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के सभी मेंबर ने इस बात पे खुशी जताई है कि गवर्नमेंट ने IBA को इस बात का अप्रूवल दे दिया है कि NPS के जो बैंक्स की कंट्रीब्यूशन है उसे 10% से इंक्रीज करके 14% किया जाए, और इसके साथ साथ फैमिली पेंशन 30% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी होनी चाहिए। फैमिली पेंशन का मुद्दा काफी समय से पेंडिंग पड़ा था और गवर्नमेंट के कल के अप्रूवल के बाद 1/4 से फैमिली पेंशन को भी लागू कर दिया जाएगा, और बढ़ी हुई जो फैमिली पेंशन है वो 1 अप्रैल 2021 से मिलेगी। इसके साथ साथ NPS भी जो लागू किया जाएगा वो सेटलमेंट की डेट से ही लागू किया जाएगा, और 11 नवंबर 2020 से NPS की जो बढ़ी हुई कंट्रीब्यूशन है उसे बैंक्स की तरफ से कंट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट, अभी पेंशन अपडेशन के रिलेटेड इश्यूज पेंडिंग रह गए हैं, उसके बारे में भी IBA के साथ 22/7 को डिस्कशन हुई थी, और उसके बाद अभी तक IBA के साथ पेंशन रिलेटेड इश्यूज के लिए कोई भी डिस्कशन नहीं हुई है। पेंशन अपडेशन का जो मुद्दा है वो IBA के साथ डिस्कशंस पे होल्ड पे है, और इसके लिए IBA के साथ एक और मीटिंग की जाएगी। UFBU की हुई मीटिंग में इन्हीं सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है, और आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।